हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्लिक फायर गेमिंग के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल का मैच तो काफ़ी अच्छा रहा। आपने जिन लोगों ने मेरी टीम कॉपी किया होगा, काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले होंगे और जीते भी होंगे, उम्मीद करते हैं। और अब इस समय रात का एक और चोचला बढ़ गया, ये TDS वाला पैसा कट जा रहा है यार 31%, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, आप लोग भी बताइएगा कट रहा है कि नहीं पैसा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DC और KKR के बीच में जो मैच होने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें जो टॉप प्लेयर हैं उसको मैं पिक करूंगा, उसको भी मैं बताऊंगा। मैं उस प्लेयर को ज़रूर रखिएगा, आपको 100% विन होगा आपका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं DC का जो दिल्ली कैपिटल है उसका हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो दिल्ली का प्लेइंग 11 में आपको ऋषभ पंत कैप्टन और विकेट कीपर हैं, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरल, आंद्रिक नोकिया, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। ये दिल्ली की प्लेइंग 11 है जिसमें आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अभिषेक पोरल या मुकेश कुमार या ईशांत शर्मा या खलील अहमद के रूप में कोई भी एक नज़र आएगा, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी आ सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपना KKR का, ये देख लेते हैं प्लेइंग 11। तो KKR का प्लेइंग 11 है, श्रेयस अय्यर हैं कैप्टन है, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, अनुकुल रॉय, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। ये DC की KKR की प्लेइंग 11 है। इसमें आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी लोग नजर आएंगे। तो ये तो हो गई ये KKR की प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं हम अपना जो वेन्यू देख लेते हैं, वेन्यू का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये विशाखापट्टनम में मैच होने वाला है, ये दिल्ली का दूसरा होम ग्राउंड है। यहाँ पे पिछले मैच में दिल्ली ने 191 रन बनाए थे, जिसमें से मतलब काफ़ी अच्छे ब्रिलियंस पारी आई थी डेविड वार्नर की और पृथ्वी शॉ की भी। तो यहाँ पे इस मैच का यहाँ पे एवरेज जो वेन्यू का स्कोर है 159 का है। इस सीज़न में आपका विकेट गया है 10, और जिसमें से पेसर 6 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स 4 विकेट लिए हैं, मतलब दोनों का 60-40 का रेशियो है। तो ये वेन्यू हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जो दिल्ली की तरफ से जो टॉप प्लेयर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज के मैच में भी पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ऋषभ पंत का हल्का फुल्का अगर जो बैट चलेगा तो चलेगा, नहीं तो आज इनका फ्लॉप हो जाएंगे। और पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर आज दोनों में से काफ़ी अच्छे पिक होंगे। और तीसरा आपको खलील अहमद और मुकेश कुमार, दोनों में से कोई एक काफ़ी अच्छा विकेट लेगा, 2 या 3 विकेट लेके जाएगा। और उसके बाद चौथा प्लेयर जो है हमारा ट्रिस्टन स्टब्स है। ये आपका ट्रिस्टन स्टब्स, काफ़ी लोग इसे रखेंगे नहीं, पिछले मैच में ये डक्स पे आउट हो गया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है और ये आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है अगर जो आप रख रहे हैं तो। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना KKR का, ये देख लेते हैं वॉचआउट प्लेयर देख लेते हैं। तो KKR की तरफ से आंद्रे रसल भाई, आज के मैच में आंद्रे रसल काफ़ी अच्छा पॉइंट देगा, बैटिंग से भी देगा, बॉलिंग से भी देगा, और फर्क नहीं पड़ता अगर जो 20 गेंद भी मिल गया इसको लास्ट में तो भी आपको 50-60 रन तो मार के दे ही देगा, 40-50 रन का तो कैमियो खेल ही जाएगा ये बंदा। और लास्ट में आता है डेथ ओवर बॉलिंग करता है तो 2-3 विकेट लेके ही जाएगा, 2 विकेट कम से कम लेके जाएगा। वेंकटेश अय्यर सुप्रीम टच में है इस समय और ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे काफ़ी अच्छे, और यहाँ पे भी इनको पिच पसंद आएगी और यहाँ पे भी ये रन करेंगे। फिल सॉल्ट को ये पिच काफ़ी रास आएगी, तो आप इसके लिए फिल सॉल्ट के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी जा सकते हैं आज के मैच में। फिल सॉल्ट आज के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छे पिक्स हैं। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क मुझे लग रहा है आज 3 विकेट मार के जाएंगे कम से कम, या फिर हर्षित राणा, दोनों में से कोई एक तो काफ़ी अच्छा विकेट आपको मार के देगा। तो ये तो हो गई आपकी हमारी टीम का पूरा एनालिसिस। तो अब आ जाते हैं अपना, हम ये कर लेते हैं ड्रीम इलेवन पर टीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको ऋषभ पंत, फिल सॉल्ट, अभिषेक पोरल नज़र आ रहे हैं। इसमें से आपको फिल सॉल्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, ऋषभ पंत को मैं थोड़ा सा बाद में लेके चलूँगा, देखूँगा अगर पहले बैटिंग के हिसाब से लेके चलूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से केवल फिल सॉल्ट को लेके चल रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से मैं डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, पृथ्वी शॉ, ये चारों को लेके चल रहा हूँ। श्रेयस अय्यर को हो सकता है ड्रॉप भी कर दूँ, लेकिन ये चारों अभी को फिलहाल के लिए लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल मार्श और आंद्रे रसल हैं। सुनील नारायण का थोड़ा सा ये है कि अगर जो KKR पहले बैटिंग करेगी तो ये इसको ऊपर भेजेंगे कैमियो खेलने के लिए, तो उस हिसाब से हम सुनील नारायण को लेके चलेंगे। और रमनदीप सिंह एम सुधाकर ये इतना ये नहीं है। उसके बाद यहाँ से मिचेल स्टार्क, और यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा खलील अहमद, मुकेश कुमार और हर्षित राणा या फिर आंद्रिक नोकिया में से किसी एक को ले लूँगा, या फिर मैं यहाँ से सुनील नारायण या फिर यहाँ से ऋषभ पंत, तीनों में से किसी एक को ले लूँगा। तो मैं यहाँ से सुनील नारायण को प्रीफर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और मैं यहाँ पे कैप्टन बनाऊँगा आज मैं फिल सॉल्ट को, और वाइस कैप्टन होंगे हमारे वेंकटेश अय्यर। ये तो हमारी हो गई टीम, और हम आपको पूरा अच्छे से टीम बना के एक बार दिखा देते हैं, टीम पूरा दिखा देते हैं। तो ये है हमारी टीम है, ये देख लीजिए टीम।
फिल शॉर्ट हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन से डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, पृथ्वी शॉ, ऑलराउंडर सेक्शन से सुनील नारायण, मिचेल मार्श, आंद्रे रसेल, बॉलिंग सेक्शन से मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, खलील अहमद। आप विकेट कीपिंग के फिल शॉर्ट के लिए अगर जो आप कैप्टनसी के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो नीचे आंद्रे रसेल और सुनील नारायण भी काफ़ी अच्छे पिक्स हैं। आंद्रे रसेल भी कैप्टनसी के लिए काफ़ी अच्छे पिक्स हैं, वाइस कैप्टनसी के लिए भी काफ़ी अच्छे पिक्स हैं, तो आंद्रे रसेल के भी साथ जा सकते हैं। ये तो हो गई टीम। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।